चौधरी टुडे आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है स्टमक स्टमक हमारा स्टमक का हम पेट कहते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि स्टमक होता क्या है तो दिस स्टमक इन ह्यूमन बॉडी इन एन एलेबोरेट फॉर्म ऑफ इंग्लिश जे विच इज लोकेटेड इन द एपी रीजन एमलाइकल रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एबडोम कैबिटी स्टमक जो है हमारे ह्यूमन बॉडी का एक एलिवरेट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लेटर है जो कि जे शेप में बना हुआ है और हमारा जो स्टमक है वो भी जे शेप में बना हुआ होता है जो कि लोकेटेड होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में अमलाइकल रीजन में एंड लेफ्ट हाइपर कॉन्ट्रेक्ट रीजन में ऑफ द एबडोमिनल कैविट्री हमारे जो हैं ये सिक्स नाइन पार्ट्स होते हैं एबडोमिनल कैविटी के उसका चार्ट मैं अलग से रख दूँगी मुझे ध्यान नहीं रहा था इसमें तो इसमें होता है अमलाइकल रीजन जो हमारी टूडी होती है उसको अमलाइकल रीजन में और राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन्स होते हैं उसमें एलाइक रीजन होता है हमारा जो पाल्विक रीजन है लाइक रीजन में होता है इन द ह्यूमन बॉडी स्टमक इज सराउंडेड बाय मैनी ऑर्गन विच आर फॉलो ह्यूमन बॉडी में जो स्टमक है उसके चारों तरफ चार और मैनी ऑर्गन्स होते हैं सुपीरियरली ऊपर की तरफ डायफ्राम, लास्ट पार्ट ऑफ द ईसोफिकस होता है एंड लीवर होता है इंफीरियरली नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन कोलन एंटीरियरली द फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल वर्ड बॉल होती है और लिवर होता है पोस्टरली में पेनक्रियाज स्प्लिन एआरटा लेफ्ट किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड होते हैं ये हमारा ईसोफेगस है ये यहाँ तक इसका एंड हो जाता है फिर ये है हमारा स्टमक स्टमक में ये यहाँ पे आ जाता है हमारा यहाँ तक फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूरम पार्ट स्टार्ट हो जाता है ये हमारा लीवर है पीछे की तरफ यहाँ पे स्प्लेन और पेन के रियाज होता है बैक साइड में ये लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ पे बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टमको स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स थ्री पार्ट्स में स्टमक का स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइडेड uh, होता है ये हमारा डाइफ्राम आ जाता है ये सुफेगस कार्डिया uh, हमारा जो फैला पास होता है फंडस बॉडी और पायोलिक एंट्रम ये जो होता है ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ से जो हमारे है हमारे ड्यूडन और स्मॉल इंटेस्टेंट का फर्स्ट पार्ट होता है ये हमारा स्टमक है ये लियोर लोअर इसोफेजियल स्पिचर इस है ये डायफ्राम है यहाँ पे इसोफेगस है सबसे पहले हम देख लेते हैं फंडस इट इज़ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक ये जो है डोम शेप्ड का होता है और ये अपर पार्ट ऑफ द स्टमक होता है सेकेंड है बॉडी इज द मेन एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टमक बॉडी जो है वो मेन और सेंट्रल पार्ट होती है पायरोलिक एंट्रम इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक विज द कम्प्लीट द शेप ऑफ जे ये नीचे का पार्ट होता है और ये स्टमक के जे शेप को मतलब जो जे शेप में वहां पर कंप्लीट करता है इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर द पायलोर कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स. और पायलोरस जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है फर्स्ट हमारा पायलोरिक एंड्रम दिस इज अ वाइट पार्टी चौड़ा पार्ट होता है विच इज कनेक्टेड टू द बॉडी पार्ट ऑफ द स्टमक और ये कनेक्ट रहता है बॉडी पार्ट ऑफ द स्टमक सेकेंड हमारा पाइलोरिक कैनाल दिस पार्ट ज्वाइन द नैरो ड्यूडोनम पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रिक ट्यूब, ये जो है ड्यूडोनम के पोर्शन पे ज्वाइन होता है पतले सा एंड कंप्लीट द गैस्ट्रिक स्ट्रक्चर ये गैस्ट्रिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है पायलो की स्पिंचर इज प्रजेंट ऑन दिस पार्ट पायलो की स्पिंचर जो होती है वो इस पार्ट में ही प्रजेंट रहती है विच प्रिवेंट फूड और फूड को प्रिवेंट करती है फूड फ्रॉम एंटरिंग द स्टमक अगेन फ्रॉम द ड्यूडनम फूड को कि स्टमक में एंटर कर रहा है और अगेन दोबारा से फ्रॉम डिडनम में जा रहा है जिसको भी को प्रिवेंट डिडनम से स्टमक में को एंटर ना हो पाए इस वजह से वो फूड को भी प्रोटेक्ट करता है इसलिए वो नीचे का जे शेप में बना हुआ होता है अब हम देख लेते हैं वॉल्स ऑफ द स्टमक ये हमारी वॉल्स ऑफ द स्टमक है इसे फिर स्टूडनम इसमें अंदर सबसे पहले होती है मिक्योसा फिर सेकेंड पार्ट पर सम्मिक्योसा फिर मसल लेयर होती है फिर हमारी होती है सी सरोसा जो हमारी पेरिकार्डियम एल मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम उस टाइप में ही ये मिक्योसा समिक्योसा मसल लेयर सिरोसा होती हैं तब तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं द स्टमक स्ट्रक्चर हैज़ द फॉलोइंग मेड अप ऑफ़ टिश्यू टिश्यू से बनी होती है सबसे पहले हमारी जो सिरोसा लेयर है मतलब उसको पेरिटोनियम लेयर भी बोलते हैं तो जो पेरिटोनियम लेयर है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक होती है किसी भी हर चीज़ का एक अलग अलग होता है जिसमें पेर... जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टमक की और ये जो अटैच uh, होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉस से अटैच होती है मसल लेयर में जो है तीन टाइप की लेयर होती हैं आउटर मिडल और इनर लेयर ये जो है ये मसल फाइबर से बनी हुई होती हैं थर्ड है हमारी सेमिक्यूसा तो सेमी जो है वो एरुलर टिश्यूज से बनी होती है जो कि लिम्फ और ब्लड वेटसल को कंटेन करती है मिक्यूसा मिक्यूसा जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसका जो मेन फंक्शन है वो Uh, क्या प्रोवाइड uh, करता है एबजन में सिक्रीशन में एंड प्रोटेक्शन में वो उसका मेन फंक्शन है और uh, इसका जो मतलब सरफेस है जिस लेयर का वो म्यूकोसिंग सिक्रेटिंग ग्लैंड्स की जरिए जो सिक्रीट करता है म्यूकोसा एज वेल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में uh, और विच ऑल्सो सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस और वो गैस्ट्रिक जूस को भी सिक्रीट करता है और इसमें एक जायोमैनजिक सेल होते हैं पैरेटल सेल्स होते हैं मिक्स सेल होते हैं जी सेल जी सेल जो है हमारा वो गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स होते हैं जो कि जी सेल्स को सिक्रीट करते हैं तो अब हम देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस इट इज़ अ स्पेशल जूस विच ए सीक्रेटेड वाई द स्पेशलाइज सेल फाउंड इन द मिकस मैम्ब्रेन ऑफ द स्टमक ये एक स्पेशल जूस होता है जो कि सीक्रेटेड बाय द स्पेशलाइज सेल से सीक्रेट होता है फाउंड इन मिकस मैम्ब्रेन में स्टमक के म्यूकस मैम्ब्रेन में ये पाया जाता है वो अबाउट टू टू थ्री लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड इन अ डे टू टू थ्री लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है इन अ डे में और विच ऑफ एस पी वन पॉइंट जीरो पीएच जो है इसका 1.0 से 1.5 पॉइंट फाइव एसिडिक इन नेचर होता है एक होता है हमारा एसिडिक और एक हमारा होता है एल्कलीन एसिडिक जो होता है वो एसिड टाइप में होता है एल्कलीन जो होता है वो एसिडिक से लोअर में पार्ट में होता है कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस मिनरल सॉल्ट वाटर नाइनटी नाइन पॉइंट परसेंट पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एस सी आई और इंटरेस्टिंग फैक्टर्स होते हैं अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस तो वाटर प्रजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस वर्क्स टू डिज़ोल्व कंटेंट ऑफ फूड्स जो गैस्ट्रिक जूस में जो वाटर प्रजेंट रहता है जो उसका वर्क होता है कि जो फूड का जो कंटेंट है उसको डिजोल्व करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनि प्रजेंट इन द फूड विच इज़ हार्मफुल टू द बॉडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है फूड में से जो प्रजेंट होते हैं हार्मफुल जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं द मेन फंक्शन ऑफ द म्यूकस प्रजेंट इन द स्टोमक इज टू मॉइज द फूड कंटेंट एंड थर्स प्रिवेंट द मैकेनिकल डैमेज होता है स्टमक बॉल इसका जो मेन फंक्शन है वो म्यूकस प्रजेंट स्टोमक में होता है ताकि मॉइस्ड रख सके फूड के कंटेंट को एंड थर्स प्रिवेंट हमारा जो मैकेनिकल डैमेज हो जाता है स्टमक बॉल को उसको भी ये प्रिवेंट करता है मैकेनिकल डैमेज से द मीकस ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन गेस्ट्रिक एंड द बॉल ऑफ स्टमक मीकस जो है एक एक्ट करता है इस टाइप का एक बैरियर होता है कि जो गेस्ट्रिक जूस है और हमारी जो स्टमक की बॉल है उसके बीच में ये बैरियर रुकावटें जो हैं उसमें मीकस एज लाइका रुकावटों की तरह उसमें वर्क करता है गैस्ट्रिक जूस में और बॉल ऑफ द स्टमक में अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ अ स्टमक स्टोरेज ऑफ फूड कंपोनेंट टेम्परली ये स्टोरेज ऑफ फूड टेम्परली इसमें फूड जो है वो स्टोर होता है क्योंकि हमारे जो स्टमक में है वो फूड रुकता नहीं है वहाँ से हमारे जो डिजॉल्व होके ड्यूडोनम में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वहाँ से हमें प्रोटीन वगैरह जो भी ब्लड स्ट्रीम ब्लड में चला जाता है उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है तो हमारा जो ये गैस्ट्रिक जो उसके साथ जो हमारा फूड है वो डिजोल्व होता है तो ये फूड जो है कंपोनेंट टेम्पररी के लिए वहाँ पर स्टोरेज रहता है इट कैन स्टोर अप टू वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर ऑफ फूड इन अ नॉर्मल एडल्ट वन से वन पॉइंट फाइव लीटर तक फूड जो है एक नॉर्मल एडल्ट जो है वो वहाँ पर स्टोर करे रखता है हमारे स्टमक में इट मेक्स द मैकेनिकल एंड केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड ये केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ़ फूड को बनाता है इट ऑल्सो पार्टली एब्जॉर्व फूड और ये फूड को एब्जॉर्व कर लेता है इट टर्नस कंटेन फूड इन टू चाइम और ये फूड को जो है चाय में टर्न uh, कर देता है बदल देता है इट्स सिक्रीट द इंटरेस्टिंग फैक्टर विच इंक्रीजिंग द एब्जॉर््पन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व सिक्रीट करता है इंटरेस्टिंग फैक्टर का जो कि इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व को सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मुझे सब कमेंट uh, में बताओ कि विटामिन बी ट्वेल्व से कौन से डिसीज़ होती है और उसके लिए हमें विटामिन बी टेल्व का जो नेम है ओ, उसको बताएं और उसके विटामिन वी ट्वेल्व के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें थैंक यू सो मच